मेरे महबूब दा मदीना खुशबू, मेरे महबूब दा पसीना खुशबू, दिल खुशबू ते जुबान खुशबू, नाल सुने आका दा सीना खुशबू, दिल खुशबू ते जुबान खुशबू, नाल सुने आका दा गै सीना खुशबू। اللهم انهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منك وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم اللہ تیرے بندیاں تے एहसान बतेरे ने अल्लाह तेरे बंदियां ते एहसान बतेरे ने अल्लाह तेरे बंदियां ते एहसान बतेरे ने मदनी दी उम्मत लई इनाम बतेरे
अल्लाह तेरे बंदियां ते दिसदा नहीं कोई सरकार जिया मैनू दिसदा नहीं कोई सरकार जिया मैनू उंड ते साहब किरदार इंसान बतेरे ने अल्लाह तेरे बंदियां ते और हबशी दी अज़ां वरगी हबशी दी अज़ां वरगी पड़सी ना अज़ां कोई हबशी दी अज़ां वरगी पड़सी ना अज़ां कोई विच देन मसीतां दे अज़ान बतेरे ने अल्लाह तेरे बंदियां ते एहसान बतेरे ने दुखियां मरीजानू देओ आप शिफा मौला दुखियां ते मरीजानू देओ आप शिफा मौला तेरा दर मल के बैठे तेरा बुआ मल के बैठे परेशान बतेरे ने अल्लाह तेरे बंदियां ते इनाम बतेरे ने हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तन्हाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात पाक वास्ते खास दुरूद सलाम सैयदुना व इमामुना इमाम कुल फख्र रसूल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात गिरामी थी जीवकार मुअज्जज़ सामईन व सामेआत बुजुर्गो भाइयों नौजवान साथियों वाजिबल एहतराम मुअज्जज़ात मुकर्रमात परदा नशीं रूहानी इस्लामी मौर बहन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इल्तजा है परवरदिगारे आलम साडा सारियां दा अज दा इस मुकाम ते जमा होना खुतबा जुमा सुनना सुनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साडे सारियां वास्ते हदायत और नजात दा सबब बनाए जो मैं बयान करां अल्लाह ताला शरा सदर फरमाए किताब व सुन्नत दे मुताबक मैनु हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए बाबा जी शोर बड़ा है बेस बंद कर दियो थी हजरात सूरत उन्निसा दी आयत नंबर 13 तुसां अहबाब दे सामने खुतबे दिंदर तिलावत करन दी सआदत हासिल कीती अल्लाह ताला ने इस आया मुबारक दे अंदर ऐलान फरमाया फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम ओ लोग जड़े अल्लाह और ओदे रसूल दी फरमा बरदारी करदे अल्लाह ताला
इन्हां लोगां नूं जन्नत दे अंदर दाखल करेगा। वह जन्नत जिदे अंदर नहरां चल रही और उहदे अंदर हमेशा हमेशा रहणगे। इन्हां वास्ते यह बहुत बड़ी कामयाबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी फरमा बरदारी दे अंदर दुनिया की भी कामयाबी है, आखरत की भी कामयाबी। इस हवाले नाल अज दे खुतबा जुमा दे अंदर मैं बड़ा अहम मौजू तुसां हबाब दे सामने बयान करना चाहना। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ बड़िया बड़िया अजीम हस्तियां, बड़िया बड़िया मशहूर हस्तियां, बड़िया बड़िया इज्जत वालिया मुकाम वालिया शख्सियात बंदा उन्हां दे नाल कुछ वक्त गुजारे, कुछ लम्हात गुजारे, बड़े फखर नाल बंदा महसूस करदा है और लोगों नूं दसदा है कि फलां बंदे नाल मैं इतना वक्त गुजारे, इतने घंटे गुजारे ने, इतने दिन गुजारे ने या इतने लम्हात गुजारे ने। उस हस्ती दे क्या कहने जिन्हां वर्गा अल्लाह ताला ने पूरी कायनात दे अंदर बनाया ही। क्यों ना होए एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल गुजारी है। तखयलात दे अंदर नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दा दिन कैसा गुजरदा सी। आप अलैहि सलातु वसलाम दिन दे मामूलात, आप दा तौर तरीका कैसा सी। सब तो पहला असी जो नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी मुलाकात वास्ते जाना है ते सफरे मदीना करना पैना ते नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया तीन जगह तो अलावा, तीन मस्जिदां तो अलावा नेकी दे अरादे नाल सफर करना जायज नहीं। मस्जिद हराम, आपने फरमाया मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा। जो बंदा चलता चलता मदीना पाक चला जाता है तो मदीना पाक के अंदर जो बंदा पहुंचता है तो पहलियां नजर बंदे दी पैंदियां ने उहद पहाड़ ते। उहद पहाड़ होए जिदे बारे नबूवत वाली जुबान ने फरमाया हाजा जाबालुई युहिब्बु ना व नुहिब्बु। नबी पाक फरमाते ने यह जड़ा पहाड़ है ना ये साडे नाल प्यार करदा है, असी इहदे नाल प्यार करदे। सदके जावां उस हस्ती दे क्या कहने जिन्हां नाल पहाड़ां भी मुहब्बत कीती, किड्डी वड्डी हस्ती। और थोड़े तारफ की भी जरूरत है, असी एक हस्ती अजीम हस्ती नूं मिलने वास्ते जा रहे हैं, एक अजीम हस्ती नाल एक दिन गुजारन वास्ते जा रहे हैं। और केड़ी हस्ती, जिस हस्ती के बारे अल्लाह ताला ने अपने कुराने पाक दे अंदर बयान किया। बाबा जी बिल्कुल भी स्पीकर ठीक नहीं, इहनूं ठीक करो, हर जुमे कोई ना कोई मसला हुंदा है, एक जगह पर सैट कर दिओ ना। तो जो करना अल्लाह का कुरान समात फरमाना, शोर शराबे तो जरा परहेज करो। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान पाक नादल फरमाया फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबियूनी युग्बिबकुमुल्लाह वयग्फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब जी कह दीजिए अगर तुसी चाहते हो कायनात दा रब तुहाडे नाल प्यार करे फिर तुहानू करना की पैना। फत्ता बेउनी युग बिबकुमुल्ला, मेरे पैगंबर दी पैरवी करो, नबी पाक दे आखे लगो, मेरे पैगंबर दे पिछे चलो, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा।
कली मोहब्बत ही नहीं करेगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुहाडे गुनाहां नूं माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शन वाला है मेहरबान। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़करल्लाह कसीरा। फरमाया तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। उन्हां लोगां वास्ते जिहड़े अल्लाह ते यौमे आखरत ते यकीन रखदे ने, वो लोग जिहड़े अल्लाह दा जिक्र करन वाले हज़रात। तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, फरमाया वमै युतै अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जिहड़े लोग अल्लाह ते रसूल दी फरमा बरदारी करदे ने, अल्लाह ताला ने इन्हां वास्ते जन्नत तैयार कीती है। वो जन्नत जिहदे नीचों नहरां चलदियां पईआं ने, उहदे अंदर हमेशा हमेशा रहणगे। और इन्हां वास्ते बड़ी वड्डी कामयाबी है। ऐ तीन ऐतां सानूं पैगाम दे रहीआं ने। नबी पाक ने सलातु वसलाम दी सीरत नूं अपनाइए। दिन होण ते नबी पाक जैसे, रातां होण ते नबी पाक जैसियां, सुबह होए ते नबी पाक जैसी, शाम होए ते नबी पाक जैसी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए उस नबी दा थोड़ा जिहा तारफ करावां ताकि तुहाडे दिल दे अंदर जगह बन जाए कि नबी पाक ने सलातु वसलाम दी कदम कदम ते ताबेदारी करनी है, फरमा बरदारी करनी है। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सहाबी हजरत बरा इब्ने आज़ब रदियल्लाहु तआला को बयान कर देने, कान रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास वजहन व अहसनुहुम खुल्का लैसा बित्तवील अलबाइन वला बिल कसीर। नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सहाबी फरमांदे ने, रहमत कायनात ने सलातु वसलाम जैसा खूबसूरत मैं वेखिया कोई नहीं, मेरे पैगंबर तो वध के सोना पूरी कायनात जिंदर कोई नहीं। ते नबी पाक अली सलातु वसलाम दे नालो सोना किसे दा खलाक कोई नहीं। मेरे पैगंबर दा कद ना ज्यादा लंबा सी ते ना ज्यादा छोटा सी, लई सब तवील बाइन वला बिल कसीर, दरमियाना कद मेरे पैगंबर दा। रहमत कायनात अली सलातु वसलाम दी जोड़ा मोतर बयान कर दिया ने, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातु वसलाम जदों बोलिया कर दे, मेरे पैगंबर इस कदर आराम नाल बोलिया कर दे, इस कदर रहमत कायनात ने सलातु वसलाम ठहर ठहर के कलाम करिया कर दे। नबी पाक दी एक एक बात दी हर बंदे नूं समझ आ जाया कर दी। एक बात नूं नबी पाक तीन तीन मरतबा दोहराया कर दे। ए थोड़ा जिहा तारफ इस वास्ते मैं पेश कीता, एडा सोना पैगंबर, एडे अखलाक वाला पैगंबर, क्यों ना गए उस पैगंबर दे नाल एक दिन गुजारिया जाए, एक दिन उस पैगंबर दी जिंदगी दा वेखिया जाए। गौर करना बंदा चलदा चलदा मदीना पाक जांदे, मदीने दियां फजावां दे अंदर पहुंचदा है। ते जदों बंदा मदीने दाखल हो जांदे, अल्लाह दी कसम उत्थे बंदे नूं सिद्दीक दियां वफावां याद आंदियां ने, उत्थे फारूक दियां अदावां याद आंदियां ने। मदीने दियां गलियां दे अंदर चलदे आ
हज़रत उस्मान दियां गईयां याद आंदियां ने, मदीने दियां गलियां बाजारां दे अंदर हज़रत अली दियां शुजातां ते जुरतां याद आंदियां ने। मदीने दे बाजार नबी पाक दे सहाबी अबू अयूब अंसारी दियां मुहब्बतां बयान करदे नजर आंदे ने। मदीने दियां गलियां मेरे पैगंबर दे बिलाल दी मुहब्बत दा इज़हार करदे नजर आंदे ने। इस वास्ते शुरू दे अंदर दो जुमले कहना चाहना, वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है वहाँ घर बनाने को जी जागता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी जागता है। वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है वहाँ घर बसाने को जी जागता है। चिगादे मोहब्बती की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने दुल्हन से अपनी। चिगादे मोहब्बती की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों को लगाने को जी जागता है। इजाजत अगर गो, इजाजत अगर गो तो जामे शहादत लबों को लगाने को जी जागता है। वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है वहाँ घर बसा ने को जी जागता। जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होंठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को जी जागता है। वहाँ माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को जी जागता है। वो शगरे मोहब्बत जगह मुस्तफा है वहाँ घर बनाने को जी जागता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी जागता है। सदके जावां वो ऐसा प्यार वाला मोहब्बत वाला शहर जिथे मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार नजर आंदे।
उस शहर के अंदर एक हस्ती जिन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, तो उस शहर के अंदर एक मस्जिद जिन्हों मस्जिद नबी कहा जाता है, उस मस्जिद नबी के नाल जुड़े हुए मुत्तसिल नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम के नौ हुजरे छोटे छोटे घर सदके जावा। मेरे पैगंबर के सहाबी बयान करते हैं हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत के अंदर ना नबी पाक दे उन्हां दे हुजरे वेखण दा इतफाक होया। सहाबी फरमांदे ने जमीन ते खड़िया होके ये जिहड़ी हुजरियां दी छत सी उन्हां नूं हथ लग जाया करदा सी, ऐं खजूरां दे पत्तियां दीयां छतां ऐ पत्थर दी ते गारे दी चनाई होई, लेकिन सदके जावां है कच्चे सन लेकिन खूबसूरत बड़े सन, सुकून नाल भरे होए सन। उन्हां दे अंदर एक एक नबी पाक दी हरकत उम्मत वास्ते नमूना सी, उम्मत वास्ते आइडियल सी, उम्मत वास्ते उसवे हसना सी। गौर करना तवज्जो करना, हुण नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे दरे दौलत ते चले गए हां, आप दे घर दी ज़ियारत कर लिए, आओ नबी पाक दी सुबह दा आगाज करिए, आप किवें सुबह कर दे, आप दे दिन दा आगाज किवें हुंदा, गौर करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबी हजरत समरा रज़ियल्लाहु तआला को बयान करदे ने, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम फजर दी नमाज पढ़ा के सलाम फेर के रहमत कायनात अलैहि सलातो व सलाम अपना रुख अनवर साडे वल कर लिया कर दे। कुरबान जावा फजर दी नमाज जिहड़ा बंदा पढ़ना आंदा ना, अल्लाह की कसम फजर दी नमाज दी वखरी लज्जत है। ते फिर माशाल्लाह इमाम साहब किरात करदे ने, ते कई बंदे फर्द पढ़न दे बाद इमाम साहब जी नूं सलाम फेरदे ने ना, ते बड़े रशक नाल वेखदे ने कारी साहब ने अज किड्डी सोहनी तिलावत कीती है, कारी साहब ने अज कुरान पढ़िया सीना ठर गया, इंज ना गर्दना चुक के कारी साहब की ज़ियारत करदे ने। लेकिन सदके जावां उन्हां खुश नसीबां तों जिन्हां फजर की नमाज बा जमात पढ़ीए, ते फजर पढ़ के जिहड़ा पहला काम कीता है सोहणे महबूब का मुखड़ा तकिया, उन्हां दे नसीबां दे क्या कहने, उन्हां दे मुकद्दरां दे क्या कहने। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी फरमांदे ने आप साडे वल मुतवज्जे हुंदे, ते मेरे पैगंबर सलातो सलाम फरमाया करदे मेरे सहाबा अगर किसी नूं कोई ख्वाब आया तो ख्वाब बयान करो, किसी सहाबी नूं ख्वाब आया हुंदा ते मेरे पैगंबर उस ख्वाब की तबीर करिया कर दे। दूसरी रवायत हजरत जाबर दी अल्लाह तआला को बयान करदे ने आप जिस जगह ते नमाज पढ़ाया कर दे उथे ही बैठे रहिंदे हत्ता के सूरज निकल आंदा, सहाबा नबी पाक ने सलातो सलाम दे नाल गल्लां करदे रहिंदे, दौरे जाखलियत दीयां बातां करदे रहिंदे, और नबी पाक दे सहाबी बयान करदे ने इस कदर नबी पाक दे यार नबी पाक दी मजलस दे अंदर बैठ दे के दौरे जाखलियत दीयां गल्लां करके नबी पाक दे सहाबा मुस्कुराया करदे, ते मेरे पैगंबर इन्हां दीयां गल्लां सुन के तबस्सम फरमाया करदे। अल्लाह मुस्कुराना ते तबस्सम फरमान दे अंदर फर्क है, मेरे पैगंबर कहका लगा के कदी भी नहीं हसे, रहमत कायनात अली सलातो व सलाम दे चेहरे ते मुस्कुराहट आया करदी सी, तबस्सम तबस्सम नबी पाक ए मठा मठा मुस्कुराया करदे सन। मेरे पैगंबर सहाबा दीयां गल्लां सुन के मुस्कुराते रहिंदे, सहाबा गल्लां करदे रहिंदे, हत्ता के सहाबी बयान करदे ने कई दफा ना शाशत दा वक्त हो जांदा, इशराक दा वक्त भी लंघ जांदा, चाशत दा वक्त हो जांदा, मेरे पैगंबर चाशत अशराक दे वक्त तक बैठे रहिंदे ते अशराक दी नमाज पढ़ के घर चले जांदे, जे चाशत तक बैठे रहिंदे ते चार रकतां चाशत दीयां पढ़ के आप फिर घर दे अंदर तशरीफ लै जाया करदे। ते हज़रत जवैरिया नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी अहलिया मुहतरमा बयान करदियां ने रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक दिन फजर दी नमाज पढ़ाने वास्ते गए ने, नमाज पढ़ा के
आपे चाशत दे वकत या शराक दे वकत घर दे अंदर तशरीफ लै करके आए ना हजरत जवैरिया रदी अल्लाह तआला अनका बयान कर दिया ने नबी पाक ने इस सलातों सलाम जिस मुसल्ले ते बैठे हैं मैं छोड़ के गए सन वापस आए ने ते मैं उत्थे ही बैठी हाँ वड़ा क्या है अल्लाह फरमाते ने वज कुरना मा युतला फी बुयूते कुन्ना मिन आयात अल्लाह वल हिकमा इन अल्लाह कान लतीफन खबीरा अल्लाह फरमांदे ने सुनियो अपनियां घर वालियां नूं कह दियो जो तुहाडे ते नाज़िल हुंदा है इन्हां नूं पढ़ के सुनाओ ते कुरान वल तवज्जो करन कुरान वल ध्यान करन कुरान पाक दियां तिलावतां करन बाद दूर ना निकल जे मैं अपने मौजू वल रहना चाहना रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दी शिया आप दी अखलिया मोहतरमा फरमांदियां ने आप तशरीफ लैके आए ते आप फरमांदे ने जवैरिया हाले तक उत्थे बैठी है जिथे मैं तैनू छड़ के गया सां जी महबूब जी मेरे पैगंबर फरमाते ने जवैरिया मैं तेरे कुल जान तो बाद ऐ चार कलमे कहने सुबहान अल्लाह की व बिहम्दी की आदत खलकी की व रिजा नफसी की व जिनत अरशी की ऐ चार जुमले कहने तेरा उदो तो लैके हुण तक बैठना एक पासे ते मेरे चार जुमले कहने एक पासे ए तेरी सारी इबादत नालो ये जुमले वजनी ने अल्लाह दी तारीफ ते कलिमात ने रब दी तस्बीह है मेरे पैगंबरनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए दिन दा आगाज़ होया नबी पाक ने अपने दिन दा आगाज़ कीता कितों फजर दी नमाज तो कितों सोने नबी दे दिन दा आगाज़ कितों होया ते साढ़े दिन दा आगाज़ कितों हुंदा है हाँ साडा की हाल है असी नबी पाक दे वको भावे को भाभी है देवबंदी है बरेलवी है किसी भी मसलक नाल तल्लक है साडे नबी दे दिन दा आगाज कितों फजर दी नमाज तो ते उम्मती दे दिन दा आगाज हुंदा खैर नाल नौ तो लैके बारह बजे तक है नमाज पढ़दा बेबरकती दी वजह यह हुई है ना अहल हुक्मराना दा मुसल्लत होने दी वजह यह हुई है साढ़े नबी दे दिन दा आगाज हो रहा फजर दी नमाज तो ते उम्मती दे दिन दा आगाज हो रहा ग्यारह बारह बजे या दस बजे नमाज पढ़दा ही नहीं है दीन दा ठेकेदार है कहिंदा मैं सब तो वड्डा नबी पाक दा आशिक हां ओ तेरा ते एक दिन भी नबी पाक जैसा नहीं नबी पाक नाल मुहब्बत दे दावे करना एक दिन ही नबी पाक जैसा बना लै गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दी जिंदगी मेरे पैगंबर ने सलातो व सलाम दा एक दिन आइए एक दिन गुजारिए नबी पाक ने सलातो व सलाम दे नाल हुण कायनात दे लोगो चाशत तक असी चले गए हां जदों सूरज फुल चढ़ जांदा है तुलू हो जांदा है दोपहर दा वक्त नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला को बयान करदे ने एक दिन नबी पाक उस वक्त निकले ने जिस वक्त कदी भी घरों बाहर नहीं निकले मेरे पैगंबर चलते चलते आए ना हजरत अबू बकर दी अल्लाह तआला को दिन अल मुलाकात हुई आप फरमाते ने अबू बकर किस गरद नाल आए रहमत कायनात अली सलातो व सलाम दे प्यारे अबू बकर कहंदे ने सुनियो मैं तुहाडी मुलाकात वास्ते आया वा तुहानू सलाम करन वास्ते आया वा ते तुहाडी ज़ियारत सदके जावा अबू बकर तो भी बच्चे नु चुप कराओ की मसला नबी पाक अली की सलातो व सलाम दे प्यारे अबू बकर जिदों दिल करदा सी नबी पाक नाल मुलाकात कर लेंदे जिदों दिल करदा सी उदों नबी पाक नु सलाम कर लेंदे सन और जदों दिल करदा सी नबी पाक अली सलातो व सलाम दा मुखड़ा वेख लैंदे एक गल याद रखियो जिन्ना रज के हज़रत अबू बकर ने नबी पाक नूं वेख्या इन्ना किसे नहीं वेख्या वेखो ना नबी पाक भी इतफाकन निकले ने हदीस पाक दे अल्फाज ने हज़रत अबू हुरैरा फरमांदे ने इस टाइम नबी पाक अगे कदी निकले ते अबू बकर भी निकल आए सदके जावां और हदीस पाक दे नाम दा है
हजरत अबू बकर रदी अल्लाह खुतान को आए ते उन्हें तीन गल्लां कीतियां सुनिया। पहली गल वे तुहाडी मुलाकात वास्ते आया, दूसरी गल वे कि तुहाडी जियारत करन वास्ते आया, ते तीसरी गल है तुहानू सलाम करन वास्ते आया। अल्लाह अकबर। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे दर ते अबू बकर आपस दे अंदर गल्लां करदे पए ने ते उमर भी आ गए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, उमर तू किवें आए? महबूब जी मैनू भुख लगी है, मैं खाने की तलाश जंदा निकलिया वा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, आओ मेरे प्यारियो चलो चलिए। नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैखैन नू नाल लिया, अबू बकर उमर नू नाल लिया। चलदियां चलदियां हजरत अबुल हैसम अंसारी रजी अल्लाह खुतान को दे घर चले गए ने। हजरत अबुल हैसम घर के अंदर नहीं सुन, नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों को पूछया, किथे ने मेरे प्यारे सहाबी अंसारी सहाबी? दसिया गया घर वालों वास्ते पानी लैन वास्ते गए ने। इस दौरान ही हजरत अबुल हैसम अंसारी रजी अल्लाह खुतान को तशरीफ लै करके आए, जल्दी नल पानी वाला मशकीजा रखिए ते मेरे पैगंबर चंबड़ जांदे ने, नाले मुहब्बत इज़हार कीती जांदे ने, ते नाले कहंदे ने फिदा का अबी व उम्मी। सोनेओ मेरे मां बाप तुहाडे तो कुर्बान। रहमत कायनात नी सलातो व सलाम दो हजरत अबुल हसन ने नाल लिए, मेरे पैगंबर दे यार भी नाल ले। चलदियां चलदियां अपने बाग दे अंदर लैके गए ना, ताजियां खजूरों तोड़ करके लिया ने। मेरे पैगंबर फरमाते ने, ए जड़ियां ताजियां ताजियां ने रुतब खजूर ने, ए मेरे वास्ते अलग कर दियो। मेरे पैगंबर ये खजूर बड़ी खुशी नाल खाया कर। अज भी जाइए ना मक्के मदीने दे अंदर, ते मुकामी लोग अफतारी दे अंदर ताजियां खजूर रखते ने। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के दुआ करो ना, अल्लाह ताला जल्दी जल्दी उत्थे जाके मस्जिद नबी दे दस्तरखान ते अफतारी करन दी तौफीक अता फरमाए। बैतुल्ला दे मताब दे अंदर बैठ के अल्लाह ताला अफतारी दे मौके मुयसर फरमाए। वार करना मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरां खाइयां ने, मेरे पैगंबर ने पानी पीता है। हिलाल आप फरमाते ने, ए जड़ा ठंडा ते मिठा पानी है, ए जड़ियां ताज़ा खजूरां ने, ए जड़ा ठंडा साया है, कयामत वाले दिन ए बारे तुहाडे कोलों सवाल किया जाएगा। हाय गाए मेरे नबी पाक यार नाल ने, मेरे पैगंबर ने अल्लाह दियां नेमतां कढ़ाइयां ते खाइयां ने, ते नाल अपने यारां नूं पैगाम वी दे दित्ते। ओ मेरे सहाबा, इन्हां नेमतां दा हिसाब देना पैणा। इत्थे इक पैगाम देना चाहना अपने उन्हां भाइयां नूं जिन्हां नूं अल्लाह ने सहूलत दित्ती है। ए सी लग्या हुंदे ते ए सी दी ठंडक दे अंदर फजर दी नमाज ज़ाया कर देंदे ने, ए सी दी ठंडक दे अंदर जोर दी नमाज ज़ाया कर देंदे ने, एसी दी ठंडक दे अंदर असर दी नमाज दाया कर देंदे ने, मगरब दी नमाज दाया, इशा दी नमाज दाया। देखो कोई एसी नहीं लगिया, अरब दी गर्मी है, बस नबी पाक ने मदीने दे बाग दे अंदर खजूरां दे साए दे थल्ले बह के मिठा पानी पीते ते ताजियां खजूरां खादियां ने, ते अपने सहाबां नूं दस दे पै ने। मेरे सहाबा, इन्हां नेमतां दे बारे कयामत वाले दिन सवाल होएगा। अल्लाह को अकबला ते नबी पाक दे सहाबी हजरत अबुल हसन समझ गए, मेरे पैगंबर नूं भुख लगी है। जान लगे ना कहंदे ने, सुनियो मैं तुहाडे वास्ते खाना तैयार करके ले आना। आप फरमांदे ने, अबुल हसन अगर कोई जानवर ज़िबा करना है ते दुध वाली बकरी ज़िबा नहीं करनी। सहाबी ने एक भटोरा ज़िबा कीते, मेरे पैगंबर वास्ते खाना लिया के तैयार किया है। आप नूं खाना खिलाया ना, मेरे पैगंबर नाले खाना खा रहे ने, ते नाले आप फरमांदे ने, अबुल हसन तेरे कोले खादम कोई नहीं, आप ही कम करदा फिरने, क्या तेरे वास्ते खादम कोई नहीं? मेरे पैगंबर दे सहाबी कहंदे ने, सुनिया मेरे कोले खादम कोई नहीं। आप फरमांदे ने, जदों साडे कोले खादम आण ते आ जाई, असी तेनू को खादम दे दवांगे, असी तेनू को गुलाम दे दवांगे। नबी पाक कोले दो गुलाम आए ने, ते अबुल हसन अंसारी नबी पाक दे कोले आ गए।
गए ने सोने गुलाम लैन वास्ते आया। दो गुलाम सन आप फरमाते दोवां विचों जिहड़ा मर्दी पसंद कर ले। इत्थे इक पैगाम देना चाहुंदा कुरान कहिंदा हल जज़ा इहसानी इल्ला ल इहसान। फरमाया नेकी दा बदला नेकी तो अलावा होर की हो सकदे। नबी पाक अंसारी सहाबी दे बाग दे अंदरों खजूरां खा के आए ने, सहाबी दे घर दिनों खाना खा के आए ने, ते बदले दे अंदर आप गुलाम देंदे पए ने। नबी पाक दे जिंदगी दे जवाके दिनों की सबक मिलिया नेकी दा बदला एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। चार पैसे आ जाण ते खानी फेर लेनियां चाहीदियां हैं। जे दुनिया दे अंदर अल्लाह कामयाबी दे दे ते गरीब रिश्तेदारां नूं भुल नहीं जाना चाहिए। अल्लाह अकबर ला गौर करना। आप फरमांदे ने मेरे सहाबी है दो गुलाम ने जिहड़ा दिल करदा लै जा। ते सहाबी तों वी सदके जावां कहिंदे ने सुणियो तुसीं पसंद करो इन्हां दोवां चों गुलाम मेरे वास्ते तुसीं पसंद करो। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम फरमांदे ने अबू लहसम मशवरा अमानत होंदा है, मशवरा अमानत होंदा है। ते इस वास्ते ए जिहड़ा गुलाम है ना ए लै जा इहनूं मैं नमाज पढ़दियां वेखे। ए जिहड़ा गुलाम है इहनूं लै जा इहनूं मैं नमाज सदके जावा। मुहब्बत की इंतहा नहीं होगी। नबी पाक ने अपने यार वास्ते गुलाम भी पसंद किया ते नमाजी पसंद किया। अल्लाहु अकबर। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने अबू लहसम ए लै जा गुलाम इनू मैं नमाज पढ़दियां वेखे। ते एक गल याद रखी इहदे नाल जाके चंगा सलूक करना है। नबी पाक दे सहाबी गुलाम लैके घर चले गए, बीवी नूं सारा वाकिया सुनाया। फिर नाले कहिंदे नबी पाक ने गुलाम दित्ते ते आपने फरमाया दे नाल अच्छा सलूक करने। ते बीवी भी नबी पाक दे नाल मुहब्बत करन वाली, मेरे पैगंबर दा एहतराम करन वाली। मेरे पैगंबर दे सहाबी अपने खामत नूं कहण लगी अल्लाह वालिया जे नबी पाक ने एदे नाल अच्छा सलूक करन दा हुक्म दिता है ते एदे नाल चंगा सलूक नहीं हो सकदा, इनू अल्लाह दी रज़ा दी खातर आजाद कर छड़ो। अल्लाहु अकबर। नबी पाक दे यार ने फौरन ही आजाद कर दिता है। मेरे पैगंबर दा दिन एक दिन नबी पाक ने सलातो सलाम दे नाल, एक दिन रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे नाल गुजारी। ए नबी पाक जोर दी नमाज, दोपहर का वक्त गुजर गया, जोर दी नमाज का टाइम हो गया, आप नमाज अदा करया कर दे। ते नमाज तो बाद रहमत कायनात ने सलातो सलाम खाना खा के कुछ देर आराम करया कर दे, कैलूला फरमाया कर दे। ते हजरत अनस रदी अल्लाह खुतान को बयान कर दे ने अक्सर नबी पाक ने सलातो सलाम दोपहर दे वक्त साढ़े घर आ जाते। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह खुताला अनगा दे घर के अंदर आके दोपहर दा आराम नबी पाक ने सलातो सलाम फरमाया कर दे। एक दिन मुस्लिम की रवायत हजरत अनस फरमाते नबी पाक ने सलातो सलाम आके लेटे ने ते मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम नु पसीना आ गया है। रहमत कायनात ने सलातो सलाम दे जिस्म ते पसीने दे कतरे। हजरत उम्मे सुलैम ने गनीमत जानिया, मौका गनीमत जानिया, एक शीशी लई है ते उहदे अंदर नबी पाक ने सलातो सलाम दा पसीना इकट्ठा करना शुरू कर दिता है। हाय मैं सहाबा दे नसीबों तो सदके जावां, उन्हां मेरे पैगंबर दीआं ज़ियारतां ते कीतियां ही कीतियां ने, लेकिन मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दे पसीने भी इकट्ठे कीते ने। अल्लाहु अकबर। असीं ते तरसनियां उन्हां थावां नूं जिथे नबी पाक दे कदम लगे ने, ते सहाबा दी अज़मत तो सदके जावां
जिन्ना नबी पाक दी पेशानी तो आप दा पसीना कठा कीता है। हजरत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह तआला नगा मेरे पैगंबर दा पसीना उतारी जा रही ने ते इंज करके शीशी दे अंदर एक बोतल दे अंदर डाली जा रही ने। आप बेदार आप फरमांदे ने उम्मे सुलैम की कर दी पई है सोणियो तुहाडा पसीना कठा कर रही हां। रहमत कायनात ने सलातो सलाम फरमांदे ने उम्मे सुलैम इस पसीने दा की करेंगी। महबूब जी जितो तुहाडा पसीना बाकी खुशबुआ दे अंदर मिल जाएगा सारी कायनात दिया खुशबुआ मिल के इस पसीने दा मुकाबला नहीं कर सकदियां। अल्लाह अकबर अल्लाह सदके जावा इंज कह लो हजरत उम्मे सुलैम कहदियां होणगियां जी चांदा ए फुल सारे तेरे पाक पसीने तो वार देवा जी चांदे ए फुल सारे तेरे पाक पसीने तो वार देवा सारे जग दियां कुल तहार दनू तेरे सोने सीने तो वार देवा ओ यारो लेके ताज ते तख्त सारे ओदे पैर दे जीने तो देवा कुल शहर हसीन ने चन अरबी तेरे शहर मदीने तो वार देवा मेरे महबूब दा पसीना खुशबू मेरे महबूब दा मदीना खुशबू मेरे महबूब दा मदीना खुशबू मेरे महबूब दा पसीना खुशबू दिल खुशबू ते जुबान खुशबू नाल सुने आका दा सीना खुशबू दिल खुशबू ते जुबान खुशबू नाल सुने आका दा गसीना खुशबू उस दे कदरा तो सदके मैं जा बनगी जो मेरे आका दी गमा आका दी बैगन गशीमा खुशबू आका दी बैगन कशीमा खुशबू नाले प्यारी अम्मा है हलीमा खुशबू मेरे महबूब दा मदीना खुशबू मेरे महबूब दा पसीना खुशबू आका दे वजीरा नू पूरा नत बोल दोवां नू सुलाया रब मदनी दे कोल अल्लाह अल्लाह उन्हां दा प्यार खुशबू आका नाल दोवां दा दफीना खुशबू मेरे महबूब दा मदीना खुशबू मेरे महबूब दा पसीना खुशबू शाना वाले आका दे ने आलियत गार करबल विच गए जाना जेड़े वार शाना वाले आका दे ने आलियत गार करबल विच गए जाना जेड़े वार हसन भी खुशबू हुसैन खुशबू हसन भी खुशबू हुसैन खुशबू ज़ैनब ते बीबी सकीना खुशबू मेरे महबूब दा मदीना खुशबू मेरे महबूब दा पसीना खुशबू दुखियां दे जेड़ा दुखां हाल वंडदा पैर दे के लोकां दे ख्याल रखदा दुखियां दे जेड़ा दुखां हाल वंडदा पैर दे के लोकां दे ख्याल रखदा उम्र दा अदल इंसाफ खुशबू उम्र दा दौर हसीना खुशबू मेरे महबूब दा पसीना खुशबू मेरे महबूब दा मदीना खुशबू सदके जावा रहमत कायनात नी सलातो सलाम दोपहर दा आराम करया कर दे इहदे अंदर हिकमत पता की है बंदा अगर जोर तो बाद कुछ देर कैलूला कर लैंदे
फिर तहज्जुद वक्त उठना आसान हो जाता है। मेरे पैगंबरी सलाम कई दफा बाजारां दे अंदर भी निकल जाते कारोबार की गरज नाल या किसी अपने साथी नूं मिलन वास्ते अपने सहाबा दे दरम्यान अगर को मामला बन जाता तो सुलह करवाण वास्ते भी चले जाते। एक दिन रहमत कायनात ने सलातों सलाम बाजार दे अंदर निकले ने चलदियां चलदियां नबी पाक दे इक देहाती बंदे नाल एक अराबी बंदे नाल घोड़े दा सौदा हो गया। मेरे पैगंबर अली सलातों सलाम फरमांदे ने आ जा बई मैं तैनूं घर जाके पैसे देना वा। रहमत कायनात ने सलातों सलाम अगे तेज तेज कदमां दे नाल चुरते इन्हां दे कोलों कीमत पुछिए इन्हां जनाब कीमत मंगीए ते वैगरी हो गया है। अल्लाह हू अकबर हाला नबी पाक नाल सौदा तय हो चुकिया सी। ए बाकी लोगों ने नबी पाक नालों ज्यादा कीमत ला दी ते अपने जनाबे सौदे तो अपने मुआहदे तो मुकर गए। दूरों आवाज ला के कहंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घोड़ा लेना है ते मेरे नाल गल कर ले। नबी पाक रुक जांदे ने ते करीब आ गए। हाँ फरमांदे ने मेरा तेरा ते सौदा तय हो चुके है। कहंदा मेरा तेरा सौदा होया ही कोई नहीं। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरा तेरा सौदा तय होया है। तकरार शुरू हो गई है लोग इकट्ठे हो गए ने। इधर नबी पाक ने सलातो वसलाम फरमांदे ने मेरा तेरा सौदा तय हो गया। वो कहंदा नहीं होया ते आखिर बोल करके कहने लगा अच्छा वाकई ही साडा सौदा तय होया। सुनियो मैं गवाही देना वा कि तुहाडा आपस दे अंदर घोड़े दा सौदा तय हो चुकिया है। मेरे पैगंबर उत्थे ही मुखातब होए इधर ते खुज़ैमा नूं। आप फरमांदे ने खुज़ैमा तू ते मौजूद कोई नहीं से गवाहियां किवें देंदा पिया है। हज़रत खुज़ैमा कहंदे ने सुनियो मैं इस बात ते गवाहियां देंदा पिया वा कि तुसी अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। अल्लाह दे सच्चे रसूल। मेरे पैगंबर दा कलेजा एडा ठंडा होया। आप फरमांदे ने जदों गवाह दी जरूरत होए गवाही दी जरूरत होए ते दो गवाह पेश कीते जांदे ने। गवाही दे मौके ते मेरा खुज़ैमा कल्ला गवाही दे इहदी कल्ले दी गवाही दो बंदियां दे बराबर मन्नी जाएगी। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे नाल एक दिन गौर करना अगली हदीस माफ फरमाना इंशाल्लाह तुहाडा इमाम तादा आएगा। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम कदी कदी कायनात दे लोगो आप अलैहि सलातो व सलाम ने करके देहातां दे अंदर भी चले जांदे अपने गरीब ते अपने माड़े सहाबा दे कोल भी चले जांदे उन्हां दी मुलाकात करिया कर दे उन्हां माड़े ते गरीब ते कमजोर सहाबा दरो। नबी पाक दे सहाबी ने जिन्हां दा नाम हज़रत ज़ाहिर बिन हराम रज़ियल्लाहु ताला माड़े जे बंदे ने गरीब जे बंदे ने रंग भी काला जिहा है एडी दौलत भी नहीं रखण वाले ते शक्लों सूरतों भी एडे खूबसूरत नहीं लेकिन कमाल दी गल ए वे के अल्लाह ते जदों पिंडों आंदा ना ते आप वास्ते तोहफे लैके आंदा कदी को फल ताज़ा लै आंदा कदी को सब्जी लै आंदा कदी आप वास्ते शहद लैके आ जांदा ते नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने हर बंदे ना कोई ना कोई देहाती दोस्ताना यराना हुंदा है ते आले मुहम्मद दा देहाती वेखना जे ते ज़ाहिर बिन हराम वेख लो। मतलब नबी पाक ने दस्या ना हर शहरी दी पिंड दे अंदर किते ना किते तलक वास्ता जरूर हुंदा है ते आले मुहम्मद दा तलक वास्ता ज़ाहिर बिन हराम दे नाले रज़ी अल्लाहु तआला। हज़रात जड़ी गल सुनने वाली गौर करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो वसलाम सहाबी नाल बड़ा प्यार कर दे। एक दिन आप बाजार दे अंदर निकले ने ते सहाबी दी आदत मुबारक सब्जियां लैके आंदे फल लैके आंदे ते जिथे दिल करदा खड़े होके आवाज़ां लगा लेंदे आओ लोगो फल खरीद लो सब्जियां खरीद लो। लोग इन्हां दे करीब इकट्ठे हो जांदे। एक दिन इंज करके नबी पाक दे सहाबी हज़रत ज़ाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाहु तआला
बाजार अंदर खड़े आवाजा लगाते पैने अपनिया सब्जियां बेचते पैने। मेरे पैगंबर चलदियां चलदियां पहुंचे ना, हाय मैं कुर्बान जावा महबूब दियां दावा तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे पैगंबर चलदियां चलदियां हज़रत ज़ाकिर दे करीब चले गए ने। मेरे पैगंबर ने जाके हज़रत ज़ाकिर दे अखां ते अपने हाथ रख लेने, अपना जिस्म नबी पाक ने हज़रत ज़ाकिर दे नाल लगा दिता है। नबी पाक दे रेशम नालों नरमो नाजक हाथ अंबर ते गुलाब नालों ज्यादा खुशबूदार मेरे पैगंबर दे हाथ। हज़रत अनस फरमांदे ने नबी पाक दे हत्थां नालों नरम चीज मैं दुनिया ते छुई कोई नहीं, एडे नरम मेरे पैगंबर दे हाथ। हदीस पाक दे अंदर आंदे जूगी नबी पाक ने इस सहाबी दियां अखां ते हाथ रखे ने, इहनू नबी पाक दी खुशबू महसूस हो गई है, इहने मेरे पैगंबर दे नाल अपना जिस्म लगाना शुरू कर दिता है, अपनी कमर नबी पाक दे सीने नाल लगाण लग गए ने। अल्लाह हू अकबर, मेरे पैगंबर दे सीने दे नाल नबी पाक दे सहाबी हज़रत ज़ाकिर अपनी कंढ मल दे पै ने। मेरे पैगंबर सलातों सलाम ने मुहब्बत दा इज़हार कीता, इंज नबी पाक ने अपनी बुकल दे अंदर अपने यार नूं लिया होए ते आप जरा ये मुहब्बत फरमाते ने, कौन है जड़ा इस गुलाम नूं खरीदेगा। सहाबी दियां अखां डुल पईआं, रो करके कहंदे ने महबूब जी इस काले कलोटे नूं कोई लै के की करेगा, जड़ा खरीदेगा वह घाटे दे अंदर ही जाएगा। मेरे पैगंबर फरमाते ने ओए ज़ाकिर तैनू किन्ने किया है, तू माड़ा है, अल्लाह की नज़र दे अंदर तेरा बड़ा मुकाम है, अल्लाह की नज़र दे अंदर तेरी बड़ी शान है। और मेरे पैगंबर अक्सर फरमाया कर दे सन, अगर मैनू तलाश करना गए ते गरीबां दे अंदर तलाश करया करो। आप फरमाते ने ऐ जड़ी मेरी कौम दे गरीब ने, अल्लाह इन्हां दी वजह करके तुहानू रिजक दिंदा है ते तुहाडी मदद करदा है। मेरे पैगंबर सलातों सलाम दा अपने सहाबा नाल प्यार, अपनी सलातों सलाम दे नाल इक दिन गौर करना असर दी नमाज, अपनी सलातों सलाम पढ़ांदे असर। नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर दिन दा आगाज फजर तो फिर जोर फिर असर। रहमत कायनात दी ज़ौजा मुहतरमा अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमांदियां ने, आप असर दी नमाज तो बाद अपने घरां दे अंदर चक्कर लगाया करदे, सारियां बीवियां दे कोल नबी पाक जांदे, थोड़ी थोड़ी देर रुकिया करदे, अपने घरां दे हालात अपनी नज़र दे अंदर अपनियां अखां दे सामने। नबी पाक अपने घरां नूं मैनेज करिया करदे, नौ घर होण दे बावजूद नबी पाक असर तो मगरब तक अपने हर घर दे अंदर चक्कर लगाया करदे, घर दा ख्याल रखिया करदे ते उम्मत नूं पैगाम दित्ता है घर बनाना सौखा है, घर वसाना औखा है। जिहड़ा घर दा बड़ा ने दी जिम्मेदारी है घर नूं ठीक रखण च, घर नूं चलाण विच, घर दे मामलात वेखण विच। कई बंदे वड्डे होण दा सबूत ते देंदे ने बच्चियां नूं झिड़कां मारन वास्ते, गालां कढ़न वास्ते, लेकिन जिथे जिम्मेदारी है उत्थे जिम्मेदारी दा एहसास करदे नहीं करदे। हुण ते असीं बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए ना, बच्चे नमाज पढ़न भावें ना पढ़न, तिलावत करन भावें ना करन, बस काम ते टाइम नाल जाने चाहीदे। क्यों जी इंज है कि नहीं? सारा कुछ पुछने नमाज का आप ही नहीं पढ़ते तो बच्चों की पुछना है, आप मसीते नहीं जाते तो बच्चिया। नबी पाक अपने नौ हुजरे मेरे पैगंबर दे बयक वकत, नौ घर नबी पाक दे बयक वकत, आप असर तो लैके मगरब तक अपने सारे घरां दे अंदर चक्कर लगाया कर दे। ते सब तो ज्यादा टाइम ना नबी पाक हज़रत ज़ैनब बिनत जाश रज़ी अल्लाह तआला अनखा नूं दिया कर दे। वजह हज़रत ज़ैनब नाल नबी पाक दे दोहरे तेरे रिश्ते सन, मेरे पैगंबर दी बीवी भी सन ते आप दी रिश्तेदार भी सन। अल्लाह अकबर। ते हज़रत ज़ैनब तीसरे नंबर ते नबी पाक नूं ना जदों आप मिलन वास्ते आंदे चक्कर लगाउण वास्ते आंदे ते शायद पेश करिया करदियां। नबी पाक अली सलाम असर तो लैके मगरब तक अपने सारे घरां दे अंदर चक्कर लगांदे, फिर नबी पाक अली सलाम मगरब दी नमाज पढ़दे। मगरब तो बाद जिस बीवी दा टाइम हुंदा, जिस बीवी दी वारी हुंदी, आप उस घर दे अंदर चले जांदे।
आप दिया सारिया बीवियां उस घर के अंदर इकट्ठिया हो जा मगरब तो लैके ईशा तक मेरे पैगंबर सलातों सलाम इन्होंने गल्लां बातां करिया कर दे। ईशा की नमाज का टाइम हो जाता ते असर तो लैके ईशा तक बीवी बच्चियां दे मामला देखते हैं। बड़े सारे वाकयात रूनुमा होए एक ने एक वाकया बतौरे नसीहत नबी पाक की जिंदगी का तुहाडे सामने रखना चाहना वा। एक दिन मेरे पैगंबर सलातों सलाम अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अनगा दे घर दे अंदर मौजूद ने ते सजीदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अनगा ने मेरे पैगंबर वास्ते खाना तैयार किया है। एक बर्तन दे अंदर डालिए ते नबी पाक दे को गुलाम नू मेरे पैगंबर दे घर भेज दिता है, मैशा दे घर भेज दिता है। ये जनाब खाना मेरे पैगंबर दे घर पहुंचया ना, लैके आने वाला जदों ए प्याला खाना लैके आया ना ते मां शरदी अल्लाह तआला को दी खिदमत अंदर पेश करन लगे ना, ये प्याला जमीन ते डिग जांदा है, प्याला टुट गए ते मेरे पैगंबर सलातो व सलाम उठे ने रहमत ते कायनात ने सलातो व सलाम ने ये प्याले दियां ठीकरियां कठियां कीतियां ने। नबी पाक ने इस प्याले नू जोड़िया नाले मेरे पैगंबर इस प्याले नू जोड़ी जांदे ने ते नाले मुस्कुराई जांदे ने ते नाले आप फरमाई जांदे ने ऐशा ये टुटिया प्याला तू रखेंगी साबत प्याला हफ्सा वल जाएगा। सदके जावा महबूब ने घर बनाने का भी वल दस दिता घर वसाने का भी वल दस। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुण मैं 5-7 मिसाल सिर्फ तुहाडे सामने रखिया ने, ईमानदार नाल दसो फजर तो लैके ईशा तक साडे मामूलात इंजी ने, क्या असी एक दिन भी नबी पाक जैसा बना सके हैं? दावा साडा सारिआं दा भाबीआं दा भी देवबंदीआं दा भी बरेलवीआं दी भी ये मुहब्बत है कि असी सब तो वड्डे नबी पाक दे आशक हाँ, एक दिन भी साडा नबी पाक जैसा है। आइए अल्लाह की कसम कामयाबी दे अंदर है कि साडा हर लम्हा हर दिन हर रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दियां रातां जैसी होए फिर ही जिंदगी दे अंदर भी कामयाबी है, दुनिया दे अंदर भी कामयाबी है, आखरत दे अंदर भी कामयाबी है। दुआ करो अल्लाह साढ़े दिन रात नबी पाक जैसे बना दे। इहदे नालों सोहणे दिन कोई नहीं जे नबी पाक नालों सोहणा दिन किसे दे नहीं। और इंशाल्लाह आइंदा जुमा नबी पाक दियां मुबारक रातां इस हवाले नाल पढ़ावांगे। अहबाब वक्त सिर तशरीफ लैके आना, बस ऐ मौजू इन्हां दा इंतखाब करन दा मकसद है कि एक या दो जुमे रह गए ने रमज़ान विच, असी दिन रात नबी पाक जैसे बना के ते फिर रोज़े रखी अल्लाह की कसम बड़ा मज़ा आएगा। दिन भी सोने जैसे ते रातां भी ते फिर रोज़े रखांगे इंशाल्लाह फिर मज़ा आएगा। अल्लाह जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।